हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सेगमेंट ऑफ इलियान अल करीम इन कॉन्वर्जेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन द ओनली मिस्टर अहमद शाह। शाह साहब, थैंक यू टाइम निकालने के लिए अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए। यू वेलकम। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि अभी रिसेंटली आपने अनाउंस किया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप टीवी और फिल्म अवार्ड देना शुरू करेंगे, तो आर्ट्स काउंसिल के अपने इतने ग्रैंड इवेंट्स होते हैं जैसे आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, विमेन कॉन्फ्रेंस और यूथ फेस्टिवल, तो क्या कुछ टाइम में ये मूवी एंड टीवी फेस्टिवल अवार्ड्स जो हैं, क्या ये भी उसी ग्रैंड इवेंट्स की लाइनअप में आ जाएंगे? बिल्कुल, ये तो खैर ग्रैंड से ज़्यादा ग्रैंड होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में पहली बार इस तरह का हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एंडोर्समेंट है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी अवार्ड कर रही है। आर्ट्स काउंसिल का ये एडवांटेज है कि ये बायस्ड अदारा नहीं है। इससे पहले जो अवार्ड होते रहे तो डिफरेंट कोई मल्टीनेशनल कंपनी एक अवार्ड करती रही है, जो मशहूर अवार्ड है पाकिस्तान में, या टीवी करते रहे हम टीवी अवार्ड या RY अवार्ड, तो उसमें आप वो जितनी भी अनबायस्ड हों, जब एक ख़ास चैनल की छाप लग जाती है तो कोई इस बात पर यकीन नहीं करता कि ये होंगे। तो आर्ट्स काउंसिल चूँकि बिल्कुल ही किसी चैनल का पार्ट नहीं है, किसी कॉर्पोरेट का पार्ट नहीं है, तो ये हमारा एडवांटेज है कि हमारी ज्यूरी भी टोटल इंडिपेंडेंट होगी, हमारी कमेटी भी टोटल अनबायस्ड होगी और सिर्फ मेरिट पे फैसला होगा, नंबर वन। दूसरा एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि स्टेट की एंडोर्समेंट हमारे साथ है, जो अभी तक किसी अवार्ड को जाहिर नहीं मिली। तो इस तरह से, और फिर ये तीसरी बात ये कि वो जितना ग्लैमर अवार्ड में होता है, ग्लैमर हमारे अवार्ड में भी होगा। हम सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान की कोई 73-74 साल की फिल्म और 50 से ज़्यादा सालों का टीवी, और लेकिन हम म्यूज़िक को भी ऐड कर रहे हैं। हमारा अवार्ड होगा फिल्म टीवी एंड म्यूज़िक अवार्ड, और हम उसको कल्चर से ब्लेंड करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंट पाकिस्तानी कल्चर्स की एक जगह पे, जो पाकिस्तान के कल्चर की जो शक्ल बनती है, तो वो भी एक तरह से डिफरेंट होगा। फिर म्यूज़िक में फोक का योनरा अभी तक किसी ने ऐड नहीं किया, जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तो वो भी उसमें ऐड करेंगे। जी, अभी हम जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं उसका नाम अहमद शाह बिल्डिंग है, और इसके नाम पे काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी मची थी जब ये आपके नाम पे रखी गई थी, तो इसकी क्या वजह थी? काफ़ी तो बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा। बहुत छोटी छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी थी जो डाई डाउन हो गई। सही। ये आर्ट्स काउंसिल के 6000 मेंबरान हैं, इसकी इलेक्टेड गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि लोगों को मरने के बाद क्यों ऑनर करें। एक आदमी जिसने पूरे अदारे को टर्न अराउंड कर दिया है, बिल्डिंगें बनाई हैं, इंटेलेक्चुअल अपग्रेडेशन की है, फिजिकल अपग्रेडेशन की है, स्टूडियोज़ बनाए हैं, ऑडियो विजुअल लाइब्रेरीज गैलरीज, और ये जो रन ऑफ द मिल अदारा था, इसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ले जाके और पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से मुतारफ करा दिया है, तो इसी आदमी को ऑनर करना चाहिए। मैंने रेजिस्ट किया था इस आइडिया को कि ये मैं खुद बैठा हुआ हूँ, बट ये चूँकि डिसीजन मेरे अकेले का नहीं है, तो सब ने मिल के बुलडोज किया और आज ये है अहमद शाह बिल्डिंग। आपकी इलेक्शन कैंपेन जो होती है उसके अंदर काफ़ी पॉलिटिशियंस आके आपको सपोर्ट करते हैं और आपकी एंडोर्समेंट करते हैं, तो आर्ट्स और पॉलिटिक्स का क्या जोड़ है? आप मुखालफत भी करते रहें, और पॉलिटिशियंस को हमने डायरेक्टली कभी भी इन्वॉल्व हमारे इलेक्शन में हमने नहीं किया। हमारी मुखालिफ पार्टी ने कुछ ख़ास तरह की जो यहाँ पर पार्टियाँ हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की। कुछ पॉलिटिशियन हमारे मेंबर हैं और हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक क्रिएटिव कैटेगरी और एक आर्ट लवर की कैटेगरी। आर्ट लवर की कैटेगरी में पैसे उसको ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, ऐसा हर आदमी जो म्यूज़िक को अप्रिशिएट करता है, थिएटर को करता है, फाइन आर्ट को करता है, उस कैटेगरी में। तो उस कैटेगरी में कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं जो मिनिस्टर्स भी रहे हैं या हैं, वो भी मेंबर बने हैं, क्योंकि कोई मिनिस्टर या कोई पॉलिटिशियन भी तो आर्ट को अप्रिशिएट कर सकता है, तो इंडिविजुअल सतह पे वो हमारे अदारे के मेंबर हैं। कहा जाता है कि आर्ट्स काउंसिल में पीपल्स पार्टी की और सिंध गवर्नमेंट का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और इसी वजह से यहाँ पे PTI और PMLN के इवेंट्स नहीं हो पाते हैं, तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? अच्छा, कहा जाता है, ये बहुत कम कहा जाता है, लेकिन एक बात 18वीं तरमीम के बाद हर आदमी को समझने चाहिए कि कल्चर जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, एजुकेशन इज़ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, टूरिज्म इज़ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, हेल्थ इज़ प्रोविंशियल सब्जेक्ट।
तो आर्ट्स काउंसिल एक मेजर ग्रांट पे चलता है और वो सारी की सारी ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ सिंध से आती है। और इत्तफाक ऐसा है कि मेरा 14वां साल है, 13 साल से मैं यहाँ हूँ और सिंध की ये सरकार भी इतने ही सालों से यहाँ है। तो जब मैं आया था तो मेरी ग्रांट 50 लाख रुपए थी, आज मेरी ग्रांट 15 करोड़ से ज़्यादा है। उसके अलावा इन बिल्डिंगों के पैसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलग से मिले हैं। तो ये तो ज़रूर है कि सारी सपोर्ट उनकी है। ये बात बिल्कुल गलत है कि उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उनका ज़ीरो इन्फ्लुएंस है। ईमानदारी से मैं आपको बताता हूँ कि इन 14 सालों में एक भी टेलीफोन चीफ मिनिस्टर का या किसी का, मतलब मिनिस्टर क्या, जब मैं चीफ मिनिस्टर कह रहा हूँ, या पार्टी हेड का नहीं आया कि यहाँ पर फलां प्रोग्राम करें या यहाँ पर फलां प्रोग्राम ना हो, तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी पीपल्स पार्टी PTI के कल्चरल विंग एक बना है और उन्होंने सारे आर्टिस्टों को जमा किया था और तो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने आर्ट्स काउंसिल में किया था। PTI का गवर्नर यहाँ आता है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, वो हम उसको उस तरह लेते नहीं। लेकिन देखिए, कल्चर का मिनिस्टर ज़्यादा आएगा, अगर यहाँ किसी और की हुकूमत होती तो उनका मिनिस्टर आता, तो पार्टी नहीं आती है, गवर्नमेंट आती है, तो गवर्नमेंट तो आएगी। कभी हमारे इवेंट में कभी कोई और इन्वाइट करता है उन्हें एज ए चीफ गेस्ट, तो वो आएगा। तो चूंकि गवर्नमेंट मुसलसल उनकी है, तो इस वजह से बाज लोग ये समझते हैं। और अभी जो आप पहला सवाल कर रहे थे कि हम अवार्ड करने जा रहे हैं, तो वो अवार्ड हम सिंध गवर्नमेंट के साथ तो नहीं कर रहे, वो तो हम इमरान खान की फेडरल गवर्नमेंट के साथ करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान PTI के जो चेयरमैन हैं और उनकी जो कैबिनेट है, वो भी ये समझती है कि हम अनबायस्ड हैं। तभी तो 50 कल्चर के अदारे उनके पास हैं, PNCA, लोक वर्षा, PTV, फलां फलां, और उसके बजाय उन्होंने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब किया। आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी में काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे तलत हुसैन हैं, मुनव्वर सईद साहब हैं, लेकिन वो लाइमलाइट में इतना आजकल नहीं आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, गवर्निंग बॉडी का काम होता है डिसीजन मेकिंग जी, और जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, मसलन हमारे थिएटर फेस्टिवल में, शॉर्ट फिल्म में उनकी जजमेंट होती हैं, हमारी अकेडमीज़ को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, और जो उनके काम हैं, नूरुद्दीन शाह भी हैं, हसीना मुइन थी, अभी इंतकाल हो गया, शफी मोहम्मद शाह थे, साजिद हसन, बहुत लोग थे। तो उनका काम होता है डिसीजन मेकिंग। एक महीने में, दो महीने में मीटिंग हुई उजमाल करीम हमारी गवर्निंग बॉडी में, नुसरत हारिस हमारी, हुमा मीर हमारी गवर्निंग बॉडी में। ये एक मैंने मिक्स बनाया है कि काफ़ी ज़्यादा सीनियर लोग और फिर कुछ एनर्जेटिक नए लोग मीडिया के, और शायर, अदीब, अंबरी नसीब अंबर है हमारी उसमें। तो एक ऐसा मिक्स बनाया हुआ है कि चूँकि हमारा डाइवर्सीफाई काम है, हम म्यूज़िक भी करते हैं, लिटरेचर भी करते हैं, फाइन आर्ट भी करते हैं, थिएटर भी करते हैं, तो मुख्तलिफ शोबों के भी नुमाइंदा लोग हम रखते हैं। और वो तो किस तरह प्रोग्राम बनेगा, क्या होगा, और अपने अपने प्रोग्रामों में फिर वो आते भी हैं और नज़र भी आते हैं। बिल्कुल। एकेडमिकली अगर देखें तो आप इंजीनियर हैं, साथ में आपकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, तो ये सारी चीज़ों को रखते हुए फिर आर्ट्स काउंसिल में आपका आना किस तरह? मैं बिल्कुल इंजीनियर नहीं हूँ ना तो वो सिविल इंजीनियर, ना पॉलिटिकल इंजीनियर। अच्छा। मैं तो IR पढ़ा है मैंने कराची यूनिवर्सिटी से, इंटरनेशनल रिलेशंस, और मेरा काम कंस्ट्रक्शन का मेरे अब्बा के ज़माने से था। लेकिन मेरा अपना स्कूल के ज़माने से जो शौक़ था, वो पहले पोइट्री के साथ था, फिर मैं थिएटर करता रहा बहुत मशहूर लोगों के साथ, तो ये मेरा मतलब पैशन भी था, ये मेरा सब्जेक्ट भी है, तो इस तरह से मैं आया। ठीक है। आपकी मेमोरी काफ़ी फेमस है। हाँ, बहुत। आपको यहाँ के सारे मेंबर्स का नाम पता होगा, उनकी फैमिली हिस्ट्री पता होगी कि किसके मामू सितार बजाया करते थे और काफ़ी फेमस थे और ये सारी बात। बिल्कुल। तो आपने अपनी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग किस तरह से की, और अगर मैं इम्प्रूव करना चाहूँ तो किस तरह से करूँ? देखो, वैसे पहली बात तो ये कि गॉड गिफ्टेड मैं यकीन करता हूँ। अच्छा। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो मेरी मेमोरी ऐसी ही थी, और बल्कि इससे भी बेहतर होगी। मेरे साथ जो KG में फर्स्ट सेकंड में पढ़ते थे, उनके 6 नंबर वाले टेलीफोन नंबर मुझे याद हैं, उनके घरों के पापोश नगर, नाजमाबाद, गुलशन एड्रेस याद हैं। तो ये एक अल्लाह की अता थी, लेकिन अल्लाह अता भी करता है और वापस भी ले सकता है। तो उसके बाद आप डिपेंड करता है कि अपने दिमाग को इस्तेमाल कितना करते हैं। अगर उसमें आप नई नई फाइलें खोलते जाएँ अलग अलग, और एक ही फाइल क्लर्क की तरह ना भरें, तो जैसे मैंने फिलॉसफी, मैंने बचपन स्कूल के ज़माने से फिलॉसफी, हिस्ट्री मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट थे, साइकोलॉजी, लिटरेचर। तो जैसे जैसे आपका डेटा बैंक बढ़ता जाता है, तो आपकी कैपेसिटी ऑफ डेटा बैंक भी बढ़ता चला जाता है।
आप 12 साल से आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे, 14वां साल है आपका आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर पे, तो आपके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि आप इतने साल प्रेसिडेंट रहे हैं? सबके पास है, अगर वो वाला फार्मूला अगर अडॉप्ट कर लें, कोई भी हुकूमत, पीपल पार्टी, पीटीआई, नोन, वो ये भाई कि जो काम तुम कर रहे हो उसको अच्छी तरह से करना तुम्हें आता है, पैशन कितना है तुम्हारे अंदर, डेडिकेशन कितना है, कन्विक्शन कितना है और ऑनेस्टी कितनी है, इन सबको अगर मिला के गूंद लो और सिर्फ उनके लिए काम करो। जैसे मेरा जो कोर बिजनेस है ना, वो प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, तो मैं उसकी डोमेन के अंदर रहता हूँ और मुझे फिर कोई मसला भी नहीं है, और मैं फिर पैशन है मेरा, नौजवान सैकड़ों के साथ, एक्सपीरियंस लोगों के साथ मैं डिबेट करता हूँ, सेशंस करता हूँ, फिर कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो मैं उसमें लिव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा उसी वक्त होगा जब आप उसमें लिव करना शुरू करेंगे, और फिर सोसाइटी में कोई आप अपने मार्ग छोड़ के जाएंगे या कोई फंडामेंटल चेंज करने की पोजीशन में आ जाएंगे। पिछले 14 साल में जितने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं आर्ट्स काउंसिल के, उसमें आप सब लैंडस्लाइड से जीते हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि आपके कैलिबर का कोई राइवल आज तक सामने नहीं आया है? असल में लोग ना पागल हैं, ना बेवकूफ हैं, ना लूले लंगड़े हैं, ना अंधे बेर हैं। सही। और मैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे बिलीव करता हूँ, तो एक साल में लोगों, जब जिस साल में आया, दुनिया में कोई आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, आई स्टार्टेड आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इन फर्स्ट ईयर, इंटरनेशनल ईस्टर्न म्यूजिक फेस्टिवल फर्स्ट ईयर, यूथ फेस्टिवल पाकिस्तान में, इन सब चीज़ों का मैं फाउंडर हूँ, यूथ फेस्टिवल पहले साल किया, थिएटर फेस्टिवल पहले साल किया, तो लोगों को चौंका भी दिया, हैरान भी किया, और लोगों का बिलीव भी आ गया कि यार ये 50-60 साल से ये चीज़ें नहीं होती थी। तो फिर ग्रेजुअली लोग, पहले शुरू में थोड़े वोटों से जीतते थे, 2-3-4 साल लगे, पहले लोगों ने कहा दुप्पल में एक दफ़ा में कर लिया है, जब उन्होंने देखा कि कंसिस्टेंसी से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर वो फजूल प्रोपेगेंडा, कोई जाली, वो एक तो ये रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि मैं जितना काम करता हूँ और जितना मेरा दिमाग है, तो ऐसे आदमी को कॉरपोरेट सेक्टर में 30-40-50 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है, तो कोई इतना पागल नहीं है कि बगैर पैसों के अपने घर से पेट्रोल भी डाले, गाड़ी भी अपनी रखे, चाय भी अपनी पिए और काम मुफ्त में करे। तो दोनों रीज़न हैं, एक तो ये कि किसी में इतना पैशन, और ये एक ये कॉम्बो नहीं है किसी के अंदर, और फिर ये कि वो त्याग दे, और वो इतना खुशकिस्मत भी हो कि अपने ब्रेड एंड बटर के लिए उसको 9-to-5 जॉब ना करनी पड़े, ये भी हो, तो इसलिए ये मुश्किल प्रोजेक्ट है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि आपने इतनी मेहनत की है स्टार्ट से ही लेके, और आपने इतना काम किया, आप इतने एक्टिव रहे, तो इतने टाइम में आप थक कैसे नहीं गए? मैं तो हाइपर एक्टिव आदमी हूं। जी, मैं तो थक जाता हूं अगर मेरे पास काम कोई ना हो। अच्छा, बीमार हो जाता हूं बाकायदा। मेरा मसला, मेरी ग़िज़ा है मेरे दिमाग की स्पीड, तो मेरा दिमाग जो काम करता है, और फिर मैं इसमें भी बहुत अच्छा हूं कि उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, बेहतर से बेहतर कैसे करना है। 14 उर्दू कॉन्फ्रेंसें हैं, तो मोनोटनी का शिकार क्यों ना हो जाएं, एक दूसरी से मुख्तलिफ कैसे हो, डाइवर्सिटी इसके अंदर कैसे डालनी है, प्रेजेंटेस को किस तरह से करना है, ये मुसलसल रात दिन मेरा दिमाग चलता रहता है, इसीलिए मैं उसको स्टैग्नेंट नहीं होने देता हूँ। हाँ, आप अपने आप को कितने और सालों तक आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर पर देखते हैं? जितने सालों तक मैं समझता हूँ कि यहाँ मेरी ज़रूरत है, और पाकिस्तान को देख के लगता है कि हमेशा ही मेरी ज़रूरत रहेगी, और जितने अरसे तक मेरी मुझ में ये एनर्जी है कि ये अदारा प्रोग्रेस कर रहा है, और ये गोल अब अदारे का नहीं रहा है, ये पूरे पाकिस्तान के इमेज को तब्दील करने में इस वक्त भी हमारा हाथ है, और इस शहर में हम कायम करने में भी आर्ट्स काउंसिल का एक बहुत बड़ा रोल है, तो हम पूरी सोसाइटी में वो चेंजेस लेके आ रहे हैं। ये 2.75 एकड़ का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान, गिलगित कश्मीर से लेके गवादर तक, इस सारे की जो आइडेंटिटी बन रही है, और कुछ गलत कुछ सही तो ज़्यादा गलत बन रही है, इसकी इमेज को कैसे करना है। इंटरनेशनल कोलाब्रेशन भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो टास्क तो बहुत बड़ा है, यू नीड एटलीस्ट फ्यू लाइफ टाइम्स टू फुलफिल दिस। तो आपका फाइनल गोल क्या देखते हैं आप आर्ट्स काउंसिल का, और लाइक उसकी फाइनल पोजीशन आप किस तरह से देखते हैं? फाइनल गोल कोई नहीं होता है, एवरी स्टेप ठीक है जो है वो मैटर करता है, रिजल्ट का एक नंबर होता है, मैथमेटिक्स में भी रिजल्ट नहीं है, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, और ये वॉर नहीं है कि इतने जख्मी और इतने मरे हुए छोड़ जाए, इस कल्चर जो है ना, इसका स्लो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ट्रिकल डाउन
पॉजिटिव सोसाइटी के अंदर सॉफ्टनेस क्रिएट करता है, हार्मनी क्रिएट करता है, इंटीग्रेशन करता है, और ये जो एक वो है कि लोग अनअब हो गए हैं, लोगों में बर्दाश्त नहीं है, ग्रेजुअली उनमें बर्दाश्त पैदा करता है। तो इट्स ऑन गोइंग। मेरा अभी तो ये है कि मैं अभी ओपन एयर को रीडू कर रहा हूँ, बिल्कुल एक मॉडर्न, फिर मैं बराबर में फैजीर अमीन बिल्डिंग मैं लेना चाह रहा हूँ, होपफुली मुझे मिल जाएगी, और मैं यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फाइन आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट की यूनिवर्सिटी अगले 2 साल में मैं देखता हूँ, और उसके लिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा हूँ। आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या रही है पिछले 14 सालों में एज प्रेसिडेंट? टर्न अराउंड दिस माइनस इंस्टीट्यूशन टू मोस्ट वाइब्रेंट और इंटरनेशनली नोन इंस्टीट्यूशन। और सबसे बड़ा रिग्रेट? कोई रिग्रेट नहीं है, छोटे छोटे रिग्रेट हैं, वो ऐसे नहीं है, अचीवमेंट बहुत बड़ा है। रिग्रेट क्या है, मैं रिग्रेट करता नहीं। मेरे साथ ये होता है कि कोई वॉल आ जाती है, टकरे मारी तो मैं साइड पे कोई पीछे से घूम के अपनी मंजिल की तरफ चलता रहता हूँ, रिग्रेट नहीं है कोई खास। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होगा शायद, कि एक वक्त था जहाँ आर्टिस्ट को सिर्फ एक पेंटर कंसिडर किया जाता था, उसके बाद कुछ टाइम में जो है आर्टिस्ट को साथ में सिंगर कंसिडर करना शुरू कर दिया, तो आज के दिन में 2021 में आर्टिस्ट की क्या डेफिनेशन है? एवरी क्रिएटिव पर्सन इज आर्टिस्ट, चाहे वो मिट्टी से कोई बर्तन बना रहा है, चाहे वो लकड़ी से कुछ कर रहा है, चाहे वो पीतल पे कशीदाकारी कर रहा है, चाहे वो ऑयल में पेंट कर रहा है, वुड से कोई स्कल्पचर बना रहा है, मेटल से कोई चीज बना रहा है, एनी क्रिएटिव पर्सन 360 डिग्री में, और नॉवलिस्ट और पोएट, जो कोई क्रिएट कर रहा है ना वो आर्टिस्ट है। एंड ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब कि आपने टाइम निकाला, मुझे पता है आप बहुत बिजी होते हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच। एंड ऑन दैट नोट दिस इज इलियान अल करीम साइनिंग ऑफ।